मैं डॉक्टर श्रीनिवास त्रिपाठी, प्रोफेसर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बेगूसराय बिहार से आया हूँ। मैंने जो है यूजी जो है राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज बनारस से किया और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने NIA जयपुर से किया है। मैं प्रोफेसर के रूप में 10 सालों से सेवा दे रहा हूँ बिहार सरकार में। मैं इस जो सेमिनार जो हुआ, जो इस तरह का आयोजन किया गया है, इसमें स्टॉल लगाई गई हैं तमाम दवा की कंपनियों के द्वारा, यह देखने लायक हैं और इससे बहुत ही ज्ञान बढ़ेगा किसी भी प्रैक्टिशनर का। नई नई दवाएं जो आ रही मार्केट में वो भी बहुत अच्छी हैं। इसके साथ है यहाँ पर जो सेशन आयोजित किए गए हैं, बहुत ही रिसर्च मेथड से जो चीज़ें आउटपुट हुआ उसको बताया गया है। विशेष करके हम कहें तो यहाँ पर एकदम पूरे भारत लेवल क्या विश्व लेवल के भी तमाम लोग आए हैं, पर्यटक आए हैं, जो कि आयुर्वेद से लाभान्वित होंगे। और जहाँ तक आयुर्वेद की बात है, आयुर्वेद केवल जड़ी बूटी या दवाओं का ही बात नहीं है, यह एक जीवन विज्ञान है, जीवन दर्शन है। इसको आप आयुर्वेद सिखाता है कि कैसे जीवन चलाया जाए, क्या हो कि हम निरोग रहते हुए अपनी लंबी उम्र को पूरा करें। तो यह एक जीवन दर्शन है। इसमें तमाम केवल दवा खाने की ही बात नहीं की जाती है, इसमें रहन सहन, किस ऋतु में क्या करना है, रात में देर तक नहीं जागना जो आजकल लोग कर रहे हैं, और इससे तमाम बीमारियां पैदा हो रही हैं। मोबाइल को बहुत देर तक इस देखते हैं, इससे आँख की बीमारियां पैदा हो रही हैं। इस बचाव पक्ष आयुर्वेद में बहुत ही उपयोगी है। इसको जानने से हम विश्व को स्वस्थ रख सकते हैं, बिना लागत के स्वस्थ रख सकते हैं। और जहाँ तक फार्मा की बात है, बहुत अच्छे तमाम फार्मा, यहाँ सांडू फार्मा का भी शॉप लगा हुआ है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है दवाओं के, अच्छी दवाओं के निर्माण में। और इनकी दवाएं बहुत ही अच्छी हैं कहा जाए तो, मतलब जो यूज़ करते हैं जो लोग, जो भी, मैं तो अभी बहुत 2-3 सालों से यूज़ करना शुरू किया हूँ, लेकिन गिफी कैसी अच्छी है। तो आप आ सकते हैं एक्सपो में और आप घूम करके सारे चीज़ों को देख सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं। Say yes to Ayurveda. धन्यवाद।